प्रधानमंत्री आजकल जो भी बात बोलते हैं वो झूठ के और प्रपंच का एक नतीजा दिखाई देती है। कच्चा देवी पर ये सरकार 10 साल तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इन्हें लगता है कि तमिलनाडु में एक सीट इस तरह की झूठी बयानबाजी से जीती जा सकती है, तो उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो ये दुखद है कि एक विदेशी सरकार, श्रीलंका की सरकार, इसमें अब इन्वॉल्व हो रही है और भारत की सरकार उसकी विदेश नीति खोखली दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत जिस तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, उसको ढकने के लिए, अपने इस षड्यंत्र वाले इरादे को ढकने के लिए वर्तमान सरकार पुराने प्रधानमंत्रियों के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है। सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं, संसद की आवाज बंद होने लगी है। सबसे कम समय ये संसद की बैठकी हुई है, जितने रविवार नहीं होते एक साल में उससे कम संसद की बैठकी होती है। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे कम समय उन्होंने बहस में भाग लिया है या किसी चर्चा का जवाब दिया है। और चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, आईटी हो, प्रेस हो, जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें तोड़ मरोड़ के रख दिया गया है। ये देश के हर वोटर से अपील है कि इस आने वाली तानाशाही से अपने बच्चों के भविष्य को बचाएं, क्योंकि इस तानाशाही का नतीजा आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि देश में युवाओं में 83% युवा बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आलीशान जीवन जीते हैं और अपने चुनिंदा पूंजीपति मित्रों की मदद करते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले कितने बड़े पैमाने पर एक वसूली का अड्डा बन गए हैं। इसलिए ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश के युवाओं को बचाने की लड़ाई है और देश को एक बेहतर रास्ते में ले जाने की लड़ाई है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भी करने वाले मंत्री पिनरई विजयन राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहे हैं कि अलायंस को इस तरीके से कमजोर करना होगा, हमें बीजेपी से लड़ना है ना कि इंडिया अलायंस। अब इन इस तरह की बातों का समय निकल चुका है। राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं तो उनकी पार्टी का अधिकार है कि वो उनके नेतृत्व को लेकर के उपयुक्त स्थान से उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दें और ये अब बात जनता के बीच में है। अरुणाचल को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया आ रही है, उनका कहना है कि अरुणाचल भारत का इंटीग्रल पार्ट है और नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। चीन की सरकार ये समझ गई है कि प्रधानमंत्री जी ने जब लाल आंख दिखाने की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से कही थी तो वो सफेद झूठ था। प्रधानमंत्री जी सिर्फ सफेद झूठ दे सकते हैं, लाल आंख नहीं दे सकते। इसलिए जब भी अवसर मिलता है, जब भारत में चुनाव होते हैं या प्रधानमंत्री के किसी खोखले दावे को पंचर करना होता है, चीन कदम बढ़ाता है और देश के प्रधानमंत्री अपने झूठ के दायरे में फंसे हुए उस कदम का जवाब नहीं देते। जब चीन देश के अनेक हिस्सों के गांवों का, शहरों का नामांकन अपने हिसाब से करता है, नक्शे अपने हिसाब से जारी करता है, जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी सेना पेट्रोल कर सकती थी उन पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग रोक देता है, जिन जगहों पर चीन ने कब्जा किया है उन जगहों पर बातचीत करने के लिए खुलकर सामने नहीं आता है, और इसके बावजूद भारत से चीन को $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार मिलता है, तो दिखाई देता है कि देश के प्रधानमंत्री इस समय चीन के मामले में थोड़े दुबके हुए हैं। और सवाल यह है कि 56 इंच की का सीना कहने वाले ये लोग आज दुबके हुए क्यों हैं, चीन को खुलकर जवाब क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने सर कमीशन को वीवीपैट के मामले पे कि उसकी सिर्फ वेरिफिकेशन ना हो जबकि काउंटिंग, कितना गंभीर मानते हैं इस मसले? देश भर में आतंक की तरह ये माहौल फैल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ हो, मजबूत हो, और जो वोटर आज भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए तैयार है उसके वोट के आधार पर अगली सरकार चुनी जाए। लगभग 100 करोड़ वोटर हैं भारत में और चुनाव से ठीक पहले जब देश के लोग देखते हैं कि चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं और अचानक से देश इस बड़े चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में
जाने के लिए तैयार नहीं दिखता है। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग पर उसका कब्जा मजबूत हो जाए और लोगों के वोट की अहमियत खत्म हो जाए। अगर गलती से भी ये सरकार दोबारा पावर में आ गई, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी के वोट करने का अधिकार या उसका महत्व ये सरकार समाप्त करना चाहेगी। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। ये इकलौता अवसर है, शायद अंतिम अवसर है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे कदम उठा करके ये इंश्योर कर सकता है कि देश में लोकतंत्र की सच्चाई बनी रहे, वोटर जिसे वोट देता है वही सरकार में आए, ना कि जो धोखे से सरकार में आना चाहता है। सीबीआई कह रहे हैं कि जो प्रीमियम एजेंसीज हैं वो क्राइमसन हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्या आपको लगता है कि जो पार्टीज पर जो एक्शन लिया जा रहा है, नेताओं पर जो एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इशारा उस तरफ है सीबीआई? बॉन्ड जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में दिखा दिया कि ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये जेम्स बॉन्ड बनके दो ही काम करती हैं, या तो बॉन्ड जनता पार्टी की वसूली की रैकेट का हिस्सा बनती हैं कि किस तरीके से किसी कंपनी के ऊपर एजेंसी दबिश बनाती है, वो कंपनी से पैसा भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है, या फिर विपक्षी दलों को परेशान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में अपना फैसला एक मत होकर के जो फैसला दिया है उसने भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और वर्तमान वित्त मंत्री के पति ने कहा है, प्रभाकर जी ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर से पर्दा उठाया है। और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं चीफ जस्टिस मुखर होकर कर ये बात कह रहे हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी का ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने है तो इसमें एजेंसीज क्या रुख अपना रही हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जिन भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोहियों से पैसा लेते रही है उनके खिलाफ दबिश बनाएगी, या फिर विपक्षी दलों के को ही परेशान करती रहेगी, विपक्षी नेताओं को ही परेशान करती रहेगी। आज देश के लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के षड्यंत्र को क्या सुप्रीम कोर्ट विफल कर पाएगा।